नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं पाडर मचेल के साथ और पाडर मचेल में आज हम खास बातचीत करने वाले हैं पाडर के दिलीप शर्मा जी से। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक भी है। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जनरल सेक्रेटरी की भूमिका पर इस वक्त काम कर रहे हैं। मचेल यात्रा जो है आने वाली है 25 से, उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन और शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल अभी दरबार बंद है। ऐसे में मचेल यात्रा को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए, चाहे सिक्योरिटी एंगल से है, चाहे सफाई साफ सफाई के एंगल से है, चाहे और भी इंतजाम हैं, तो आइए बात करते हैं दिलीप शर्मा जी से, जो इस बारे में कुछ खास जानकारी हमें देना चाहेंगे और क्या क्या चीजें ये गुहार लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे, यात्रा 25 से आने वाली है, क्या क्या चीजें नोटिस करी है आपने, जिनके ऊपर इंतजामिया को जो है काम करने की जरूरत है? जी भीम जी, धन्यवाद। राम राम, नमस्कार जुले दोस्तों, जय माता दी। सभी लोग जानते हैं कि अब जो है मचेल यात्रा जो है अपने जोर पे आ रही है। सिर्फ 7 दिन जो हमारे यहाँ पे देसी रीति रिवाज है वो बंद रहती थी। तो मैं अभी सफाई की बात करूँ, मैं रोड की बात करूँ या यहाँ सुपर की बात करूँ, बोलने का मतलब यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार जब यहाँ पे 11 दिन रोड जो है पाडर किश्तवाड़ बंद रहा और उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ लीडर्स, कुछ प्रतिनिधि यहाँ पाडर्स के जो वहाँ पे खड़े रहे और हमने देखा, हमें ये विश्वास था कि ये अच्छी तरीके से इस रोड को जो है साफ करेंगे, लेकिन देखने को ये मिला हमें कि आज भी वो रोड जो है वो पूरा जो है अच्छे तरीके से साफ नहीं है। और कैसा साफ नहीं है दोस्तों, वहाँ जबकि पूरा स्लाइड जो है, पूरा पहाड़ जो टूटा हुआ है, बीच से थोड़ा सा रास्ता निकाला गया है। और मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन भी करूँगा, कृपा करके यहाँ जो बीकन डिपार्टमेंट है या कोई भी इस डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए। जैसा कि उसका अगर कहीं भी मौसम खराब होता है तो बारिश पड़ने से वहाँ स्लाइड बनने का खतरा है। क्योंकि अभी बरसात आने वाली है। हाँ, क्योंकि इन टाइमों पे तो कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बारिशें जो है वो हो सकती है और जिसके कारण जो है फिर स्लाइड बन के रोड बंद होगा। और यहाँ के रोजगार जो कमाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, वो यहाँ से अपना सामान जो है, मचेल की बात करें, चशोती की बात करें, हम गुलाबगढ़ की बात करें, लोगों ने अपने रिश्तेदारों से और बैंक का लोन उठाया हुआ है, क्योंकि ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भारी तादाद में यात्रा आएगी और यात्रा में कहीं ना कहीं अपना 6 महीने का रोजगार कमा लेंगे। लेकिन अगर ये कहीं स्लाइड के वजह से या रोड के वजह से ये रोड बंद रहता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो लिहाजा एक बार फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन, और मुझे ये भी दुख है कि जब बंद रहा था तो सुनील कुमार शर्मा जी भी वहाँ खड़े रहे थे और आज वो रोड जो है अभी फिर बंद होने जा रहा है, कभी भी बंद हो सकता है बारिश की वजह से, और अभी वो चुप बैठे हैं। लिहाजा मैं उनसे भी यह हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पाडर को नजरअंदाज नहीं किया जाए करना चाहिए, क्योंकि इस पाडर ने आपको बहुत बड़ा पद पे पहुंचाया है। ये वही पाडर है, ये वही जज्बाती पाडर है और जिसको आप भीम गोड़ा कहते हैं। तो आपको भी मैं यहां से गुलाबगढ़ से ये कह देना चाहूंगा कि कृपा करके ये रोड जो है ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि रोड का मसले से अगर पिछले हमारे यात्रियों को किसी भी प्रकार से अगर कोई परेशानी आती है, इसका जिम्मेवार डीसी साहब किश्तवाड़ और सुनील कुमार शर्मा, जो हमारे सबका एमएलए यहाँ से जीत कर हमने जिता कर भेजा है। बाकी जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।